तू भोले का ध्यान कर, तू अविनाशी का, उस औघड़ी का ध्यान कर, उस महादेव का ध्यान कर। दौड़ करके गया है बाबा, महादेव की आराधना कब तक करनी पड़ेगी? बोले महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर, तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र के पाठ करने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है, करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र याद है ना सबको? हाँ सुनो, एक है मृत्युंजय मंत्र, एक है बीज मंत्र और एक है महामृत्युंजय मंत्र। बहुत लोगों को तो महामृत्युंजय मंत्र क्या है ये पता नहीं आज तक। हाँ मृत्युंजय मंत्र तो प्रायः सब लोग बोलते होंगे, आप लोग बोलते होंगे। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मित्योर्मोक्षेयमामृता। तो ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र मृत्युंजय मंत्र है। ये मंत्र क्या है बोलो ना? मृत्युंजय मंत्र। जो मंत्र आरंभ होता है वो त्र्यंबकम व्यायाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम से, वो मृत्युंजय है, वो महामृत्युंजय मंत्र नहीं है। अंतर है मंत्रों में, जो रोज जाप करने योग्य है उसे मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। त्र्यंबकम व्यायाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनार्थ मित्रमोक्षेयमामृतात्। ये है मृत्युंजय मंत्र। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है? ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मित्रोर्मोक्षेयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जुम हौम ओम। ये मंत्र है महामृत्युंजय। तो एक है मृत्युंजय और एक है महामृत्युंजय और एक है मात्र बीज मंत्र। ओम मृत्युंजयाय नमः ओम हौम जुम सः नमः। ये मंत्र, जो मंत्र आपको सरल लगे उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। चाहे महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो, चाहे मृत्युंजय मंत्र पढ़ो या बीज मंत्र पढ़ो। शंकर जी को प्रसन्न करना है तो कोई भी मंत्र पढ़ो। और सबसे सरल मंत्र तो नमः शिवाय है, फिर है ना? नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र है ना? लेकिन आजकल मार्केट में एक नया मंत्र और चल रहा है, उसका भी जाप कर सकते हो। जब भी तो करना है ना, नाम ही तो लेना है भगवान का। श्री शिवाय बोलो ना आप लोग। श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। नाम जैसे भी लो कल्याण होगा। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। तो मंत्र जैसे भी जपो कल्याण करेगा। परीक्षित ने पूछा, बाबा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कब तक करूंगा? तो मृत्युंजय भगवान रुद्र हैं और रुद्र को संस्कृत में 11 को कहा जाता है। रुद्र 11 को कहते हैं। और शंकर जी कितने अवतार में हैं? 11 अवतार। वैसे तो 19 अवतार है शंकर जी के, लेकिन 11 अवतार प्रधान है जिनमें 11 मरुत हैं, 11 रुद्र हैं। उन 11 रुद्रों का 11 दिन तक जाप करना पड़ता है। इसलिए शंकर की आराधना कब तक करनी होगी बोलो ना? बोलो कितने दिन मिथिलेश? 11 दिन तक करनी है शंकर की आराधना। 11 दिन तक करोगे तब फलित होगा। परीक्षित ने कहा, बाबा मरना 7 दिन में और उपाय 11 दिन वाला, और कोई दूसरा? बोले नहीं, ये तो महाकाल